निर्भया के दुष्कर्मी मुकेश सिंह की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मुकेश ने कहा था कि वकील ने उसे धोखा दिया है, इसलिए उसके कानूनी विकल्पों को बहाल किया जाए। सुनवाई के दौरान जस्टिस मिश्रा ने इसे सुनवाई लायक केस नहीं माना, कहा कि इसमें सुनवाई के लिए कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए खारिज की जा रही है। मुकेश की क्यूरेटिव पिटीशन और दया याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है। ट्रायल कोर्ट ने 6 मार्च को चौथा डेथ वारंट जारी कर निर्भया के दोषियों मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय सिंह की फांसी 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे तय की है। मुकेश ने याचिका में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और एमिकस क्यूरी वृंद्रा ग्रोवर पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाते हुए CBI जांच की मांग की थी। उसने कहा कि मैं गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार, वृंदा गोवर और सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मौजूद अन्य वकीलों की आपराधिक साजिश का शिकार हुआ हूं। इन लोगों ने मुझे सेशन कोर्ट के आदेश का भय दिखाकर कई कागजातों पर दस्तखत करवाए। इन लोगों ने कहा कि अदालत ने याचिकाएं दाखिल करने के लिए मेरे दस्तखत लेने का आदेश दिया था। मुकेश ने आरोप लगाया था कि राजनीतिक हितों के चलते जानबूझकर मेरे खिलाफ मिलकर आपराधिक साजिश रची गई और वकील तिहाड़ जेल में मुझसे मिलने आए और विभिन्न कागजातों पर मुझे दस्तखत करने के लिए कहा गया। उसने कहा कि मेरे हस्ताक्षर से क्यूरेटिव पिटीशन सहित जितने भी दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए हैं उन्हें सुरक्षित रखने का निर्देश जारी कर इसकी जाँच करवाई जाए। निर्भया के दोषी ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने मुझसे वकालतनामे पर साइन करने के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि सेशन कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है जिसके मुताबिक मुझे सभी अदालतों में क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करने के लिए कागजात पर दस्तखत करने हैं। मुकेश ने कहा कि सेशन कोर्ट के कथित आदेश के भय से मैंने वकील द्वारा दिए गए वकालतनामे और अन्य कागजातों पर दस्तखत कर दिए। मुझे हाल ही में पता चला है कि ऐसा कोई ऑर्डर सेशन कोर्ट ने जारी ही नहीं किया था। रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करने की समय सीमा 3 साल तक की है। ऐसे में जुलाई 2021 तक मेरे पास क्यूरेटिव पिटीशन और दया याचिका दाखिल किए जाने का वक्त है, इसलिए कानूनी मेरे अधिकार बहाल किए जाएं। कानूनी पैंतरे चलकर 2 महीने से फांसी से बच रहे निर्भया केस के 4 दोषियों के सभी कानूनी विकल्प अब खत्म हो चुके हैं। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका खारिज कर चुके हैं। अब मुकेश का नया पैंतरा भी फेल हो चुका है। दिल्ली में पैरामेडिकल छात्रा से 16 दिसंबर 2012 की रात 6 लोगों ने चलती बस में दरिंदगी की थी। गंभीर जख्मों के कारण 26 दिसंबर को सिंगापुर में इलाज के दौरान निर्भया की मौत हो गई थी। घटना के 9 महीने बाद यानी सितंबर 2013 में निचली अदालत ने 5 दोषियों राम सिंह, पवन, अक्षय, विनय और मुकेश को फांसी की सजा सुनाई थी। मार्च 2014 में हाईकोर्ट और मई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा बरकरार रखी थी। ट्रायल के दौरान मुख्य दोषी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। एक अन्य दोषी नाबालिग होने की वजह से 3 साल में सुधार गृह से छूट चुका है। जैसे इनकी ये याचिका खारिज हुई है ऐसे ही जो भी अनलीगल याचिका है वो खारिज होगी और 20 मार्च को फांसी होगी, क्योंकि ये जो याचिका डाल रहे हैं कहीं ना कहीं इनको, क्योंकि इनके इनको आदत लग गई है कि एक बार पोस्टपोन हुई, 2 बार हुई, 3 बार भी चलो भी कोई याचिका लेके पहुंच जाओ और चौथे को भी पोस्टपोन कराओ, लेकिन अब इनके पास ऐसा कोई याचिका नहीं है, रेमडी नहीं है कि इस डेट को पोस्टपोन कराए, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि 20 मार्च को इनको फांसी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।